तो हेलो ब्रो, जरूर कैसे तो आपका स्वागत है मेरे चैनल किलर ब्रो में। तो जब आ चुके फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग स्क्रीन पे एक जो है अभी टॉप अप इवेंट आया हुआ है। वाओ, और वो जो टॉप अप इवेंट आया है वो होमर कैरेक्टर का, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रहा है, तो आप लोग जो ऐसे करके इसको अभी ले सकते हो। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग के सामने अभी ये आ चुका है और आपको यहाँ शो कर रहा हो कि टॉप अप, आप जो है टॉप अप करके ये जो कैरेक्टर को आप ले सकते हो 100 डायमंड का टॉपअप में। साथ ही जब भी आप 500 डायमंड का टॉपअप करेंगे तो इसके साथ इसका जो बंडल है आपको फ्री मिलेगा। फ्री नहीं बोल सकते, आपको डायमंड देके मिलेगा, ठीक है। आज ही बदल लिया साला। तो ये जो अभी इवेंट आया हुआ है हम लोग को फ्री फायर के अंदर में आया हुआ है, यानी न्यू कैरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, जो कि 3-in-1 कैरेक्टर होने वाला है। क्योंकि गाइस इसका जो एबिलिटी है बहुत ही तगड़ा है। कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आपका इसका एबिलिटी बता दे रहा हूँ कैसे जो ये एबिलिटी काम करेगा। तो मान लेते जब भी आप इस एबिलिटी को यूज़ करते हो, तो पहले बात तो हम लोग कर लेते हैं, ये जो है एक्टिव स्किल होता है, यानी इसको आपको स्विच करना पड़ेगा, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये जो कैरेक्टर काम करता है, ठीक है। तो इसका एबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी लेवल 6 में, कि इसका क्या होने वाला, ठीक है। तो भाई देखो, आप अगर ये कैरेक्टर को लेके खेलते हो तो ये कैरेक्टर क्या करता है कि जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये जो एक ड्रोन छोड़ेगा, और वो जो ड्रोन आपको कब छोड़ना, कि मान लेते आपका एनिमी अगर सामने है और वो एनिमी आपको 100 मीटर के रेंज में है और आप उसके एकदम सीधे में हो, सीधे बोल सकते हैं, यानी आपके मुंह के साइड में पूरा वो है, यानी टुवर्ड्स है, आपके पीछे साइड नहीं है, आगे तरफ है, ठीक है। और वो जो एनिमी है 100 मीटर के अंदर में है, और आप अगर इस कैरेक्टर को यूज़ करते तो ये जो कैरेक्टर है एक ड्रोन छोड़ता है, और वो ड्रोन क्या करता है कि जाके उसके सामने 5 मीटर का एक डायमीटर बनाता है, यानी एक टाइप का एरिया बनाता है, और उसमें जो है एक ब्लास्ट करता है, उस ब्लास्ट से उसको जो है 25 का डैमेज पड़ता है, यानी उस एनिमी को, ठीक है, उस एनिमी को 25 का डैमेज पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप इसको मैक्स लेवल करके खेलते हो तो क्या करता है कि जब भी वो ब्लास्ट होता है ना, एक्सप्लोजन डैमेज होता है, मतलब ब्लास्ट होता है, तो उस एनिमी का जो मोमेंट स्पीड है वो जो है आपका 60% तक घट जाता है भाई। मतलब आप मान सकते हो आधा से ज़्यादा उसका जो मोमेंट स्पीड है घट जाएगा जब भी आप इस एक्टिव स्किल को यूज़ करते हो। साथ ही और एक इसमें एबिलिटी ये है कि जब भी आपका वो एक्सप्लोशन फटता है उस पर, तो उसका रेट ऑफ फायर भी जो है, जब भी वो फायरिंग करता है उसका स्पीड जो 35% तक जो है घट जाता है। यानी दो दो चीज़ यहाँ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, यानी जब भी आप इसकी स्किल को यूज़ करते हो तो उसका जो है मोमेंट स्पीड भी घट जाएगा, और वो जब भी फायर करता है तो उसका स्पीड भी घट जाएगा, यानी आप लोग एक टाइप से बोल सकते हो प्योर जो है बॉट जैसा वो काम करेगा, ठीक है। तो इसमें एक खराबी बात यह भी है कि ये जो है आपका 5 सेकंड तक ही रहता है, यानी 5 सेकंड के बाद जो ये आपका जो भी आपका चक्रव्यूह है या जो भी चीज़ आप बोल सकते हो वो जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साथ ही जब भी आप इसको मैक्स लेवल करके खेलते हो, यानी 90 सेकंड तक आपको कूलडाउन इसमें आपको टाइम मिलता है जब भी आप इसको 6 लेवल करके खेलते हो। तो ये जो टॉप अप इवेंट अभी है आपका, अभी जो है 7 तारीख तक रहेगा, यानी 7 जुलाई तक ये जो अभी रहने वाला है। तो ये कैरेक्टर का जो एबिलिटी बहुत ही तगड़ा एबिलिटी, काफ़ी सारे बंदे इसका वीडियोज़ बना रहे हैं यूट्यूब पर, काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। नहीं तो आप जो है यहाँ से वीडियो देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचेगा। पर आप अगर लेना चाहते हो तो भाई यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हो, 100 डायमंड का टॉपअप करके आप जो है इसका एबिलिटी ले सकते हो। आप अगर बंडल नहीं भी लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ले सकते हो तो ले सकते हो इसका डायमंड देके कैरेक्टर को, जिससे आप जो इसको गेम के अंदर यूज़ कर सकते हो और जो है एक नया एक्सपीरियंस भी यहाँ से आप ले सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले थे इस एबिलिटी बारे में कि ये जो कैरेक्टर है होमर कैरेक्टर जो है इसका एबिलिटी क्या होने वाला है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो है कैरेक्टर कैसे काम करता है और कैसे जो है एनिमी को डैमेज दे सकता है, ठीक है। और एक बात आपको बताना भूल के, जब भी आप मान लो कि एनिमी आपका अगर सामने रहता है, वो अगर 360 गोलर भी लगाता फिर भी, मतलब कहीं भी रहता हो एनिमी, ठीक है, आपका बस 100 मीटर के अंदर में होना चाहिए जो एनिमी को, उसको 25 डैमेज पड़ जाता है। तो यही जो होने वाला है होमर कैरेक्टर का एबिलिटी, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करते जाना, साथ ही चैनल में अगर नए होते फटाफट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।